संसद सत्र से पहले सत्ता पक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर शामिल हुए। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए, जबकि विपक्ष से तमाम दलों के नेताओं ने शिरकत की। विपक्ष ने मणिपुर के हालात, बाढ़, महंगाई सहित कई मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात कही। वहीं सत्ता पक्ष ने बैठक में बताया कि सत्र के दौरान 31 बिल विधायी एजेंडे में हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। आज भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमने ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बुलाया था, तो कल से सेशन शुरू होने वाला है। इस बैकग्राउंड में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बुलाया गया था। 34 पार्टीज एंड 44 लीडर्स अटेंड किए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन भी आया है और सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मणिपुर हिंसा के मामले में चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो गिवन और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है और सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा के मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।